Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Umar bin Abid and you are watching Umar Linguistics. So today our lecture is the history of English, old, middle, early modern and modern English. So our chapter is chapter 17, language history and change, and this is the fourth lecture of this chapter. So many of you may think this lecture is just like the history of English literature, and we are going to look at something like literature and purely about history, but it's not right. Actually, we are going to look at the history of English in a very practical way, that what were the changes in words, in sounds, in old English, in middle English, in early modern and modern English. So we are going to look at this topic in a very practical way, but it may help you, it may help literature students as well. So let's start. So history of English, jaise abhi maine aapko bata diya ke literature ke students jo hain unke liye bhi ye lecture helpful ho sakta hai, lekin hum ise thoda practical way mein dekhenge. Humne ye dekhna ke language ki forms kis tarah change hui hain, kuch words, kuch sounds kis tarah change hue hain तमाम पीरियड्स में. तो अगर लास्ट लेक्चर जो था हमारा, जिसमें हमने कंपैरेटिव रिकंस्ट्रक्शन की थी और जिसका मकसद था कि हम प्रोटो फॉर्म्स, वो बेसिक फॉर्म्स को ढूंढ सकें जो भी जो किसी भी डिसेंडेंट लैंग्वेजेस में पाई जाती है, और ताकि हम उसकी एंसेस्टर लैंग्वेज तक पहुँच सकें. लेकिन जबकि हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स ना हों, यानी जाहिर है हमारे पास ओल्डर लैंग्वेजेस के अब रिटन रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं हैं. तो हमने जो लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि हमने कंपेयर करके ये ढूंढने की कोशिश करते थे कि अगर तीन लैंग्वेजेस हैं तो इनकी जो एंसेस्टर लैंग्वेज है वो लैटिन हो सकती है, ग्रीक हो सकती है. वो हमने कुछ तरीके देखे थे, ठीक है. तो आज का जो लेक्चर है, तो हम इसमें देखेंगे कई लैंग्वेजेस हैं, जैसे इंग्लिश है, इसके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश का रिकॉर्ड भी मौजूद है, मिडल इंग्लिश का भी मौजूद है, मॉडर्न और अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का भी मौजूद है. लेकिन इनमें हमें कोई भी रिजेंबलेंस नहीं आती, नज़र नहीं आती. जब हम ओल्ड इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश से कंपेयर करते हैं तो उस तरह हमें कोई भी जो है वो रिजेंबलेंस नज़र नहीं आती, ठीक है. और इधर ही अगर मैं आपको इस वर्ड की प्रोनंसिएशन भी बता दूँ, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़ था, फिर मैंने अभी दोबारा डिक्शनरी से देखी कि ये रिकॉर्ड है, जिसे हम आमतौर पर रिकॉर्ड कह देते हैं. तो रिकॉर्ड इसकी जो है वो सही प्रोनंसिएशन है ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है. तो और अमेरिकन इंग्लिश में ये रिकॉर्ड है, ठीक है, इसकी जगह अमेरिकन इंग्लिश में ये आ जाता है. हाँ, लेकिन जब ये एज अ वर्ब यूज़ हो, अगर ये वर्ड, तो फिर ये रिकॉर्ड ही है. लेकिन एज अ वर्ब हम कम ही यूज़ करते हैं, जैसे कहते हैं आई रिकॉर्डिड माई वॉइस, तो फिर हम इस तरह करेंगे, ठीक है. तो ये ज़िमनी सी बात आ गई थी, ठीक है, वो मैंने आपको ये प्रोनंसिएशन बता दी, ठीक है. तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे यानी इधर जो बात करने का हमारा मकसद था कि इंग्लिश के हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, ओल्ड के भी, मॉडर्न के भी, मिडल के भी, लेकिन हमें रिसेम्बलेंस नज़र नहीं आती. और इस तरह की एग्ज़ाम्पल हमने इस चैप्टर के पहले लेक्चर में भी देखी थी, जो लॉर्ड्स प्रेयर के नाम से, जिसमें हमें कुछ इस तरह के साउंड नज़र आ रहे थे, जैसे ए, ठीक है, यानी ये इस तरह की साउंड जो अब हम फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ करते हैं, स्पेलिंग में तो नहीं यूज़ करते, लेकिन ये हमें स्पेलिंग में भी नज़र आ रहे थे, फेडर, और ये वाला साउंड नज़र आ रहा था, इसी तरह ये वाला साउंड नज़र आ रहा था. हालांकि ये साउंड है, लेकिन ये स्पेलिंग में यूज़ होते थे, ठीक है, अजीब अजीब से हमें लग रहे थे ये, आप देखें, ठीक है. तो जो हमने लास्ट स्लाइड में लॉर्ड्स प्रेयर में कुछ देखे थे स्पेलिंग्स, अब उनमें क्या क्या चेंज आई बाद में. ओल्डर लेटर्स, जैसे ये हमें एक नज़र आ रहा था, इसे थॉर्न कहते थे, और इसी तरह ये जो लेटर था इसे एस कहते थे. अब तो हमें पता है ना कि अब तो हम इसे फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ करते हैं, स्पेलिंग में नहीं लिखते हम इसे, ठीक है. तो ये भी एज अ स्पेलिंग यूज़ होता था, इसे एस कहते थे. तो ये दोनों रिप्लेस कर दिए गए टी एच लेटर से, ठीक है, जैसे टी एच ओ यू थो, ठीक है. इसी तरह अब ये जो था योरदान, ये बन गया अस, ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाला जो साउंड आ रहा है, और फिर आखिर में भी चेंजिंग आई, ये भी हम देखेंगे, ठीक है.
इसी तरह ऐ जो था ये भी एज अ लेटर लिखा जाता था, इसे ऐश कहते थे, और ये सिंपली आ बन गया, ठीक है, ये लेटर बन गया। जैसे डैग था तो वो तो डे में चेंज हो गया। अब ये बाद में टू कैसे आया, वाई कैसे आया, ये बाद की बातें हैं, ठीक है। लेकिन इधर हमें क्या देखना है कि ये वाला जो साउंड था, ठीक है, क्योंकि ये पूरे ऐश के लिए यूज़ हो रहा था, तो डैग जो भी था तो वो टुडे में चेंज हो गया, और ये जो अ था इसने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये कुछ चेंजेस हमें इस तरह की नज़र आती हैं। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के जो कुछ पीरियड्स हैं, ओल्ड इंग्लिश इंग्लिश है जो कि बिफोर 1100। अब आपने कई बुक्स में देखा होगा कि वो 457 टू 1100 या इस तरह का कुछ लिखा होता है। तो मैंने ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में भी देखा, और जॉर्ज जूल की बुक खुद भी एक ऑथेंटिक बुक है। तो क्योंकि ये तो कंफर्म है कि वो 5th सेंचुरी में जो जर्मन्स हैं, जर्मेनिक ट्राइब्स जो हैं, वो उधर गए हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो किस यानी ईयर्स में गए होंगे। इसीलिए बिफोर 1100 का पीरियड जो है वो उसे ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। कोई जो डेट है वो कंफर्म नहीं की जाती जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। इस तरह मिडल इंग्लिश 1100 टू 1500, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश 1500 टू 1700, ये सारे AD हैं आपको पता है, ठीक है, और मॉडर्न इंग्लिश आफ्टर 1700। हाउ इंग्लिश केम इन टू ग्लोब, ये तो हम पहले ही इस लेक्चर के शुरू से ही देख चुके हैं फैमिली ट्रीज में भी, कि कोई भी जो लैंग्वेजेस हैं आज मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, इनकी कोई ना कोई रूट लैंग्वेज थी, इनकी कोई ना कोई एंसेस्ट्रल या मदर लैंग्वेज थी, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश बिफोर 1100, अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या चीज़ें हुई हैं ओल्ड इंग्लिश में। तो प्राइमरी सोर्सेज फॉर इंग्लिश डिवेलपमेंट, सबसे पहले हम ओल्ड इंग्लिश में ये देखते हैं कि इंग्लिश की डिवेलपमेंट किस तरह हुई है। तो प्राइमरी सोर्सेज फॉर व्हाट डिवेलप्ड एज द इंग्लिश लैंग्वेज वर, अब वो क्या सोर्सेज थे, जर्मेनिक लैंग्वेजेस स्पोकन बाय ट्राइब्स ऑफ एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। नॉर्दर्न यूरोप के ये कुछ ट्राइब्स थे, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, तो इनकी जो लैंग्वेज थी उन्हें जर्मेनिक लैंग्वेजेस कहा जाता था। अब ये ब्रिटिश आइल्स यानी जो ब्रिटिश आइलैंड है यानी जो आज ब्रिटेन है, ये उधर आकर रहने लगे 5th सेंचुरी में, ठीक है। और इन वन अर्ली अकाउंट दीज ट्राइब्स वर डिस्क्राइब्ड एज गॉड्स रास टू वर्ड ब्रिटेन। अब कुछ जो है वो कुछ लोग इसे कहते थे कि ये जो है यानी जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट लोगों में फैल जाते हैं ना, कि ये खुदा का गुस्सा था, गॉड्स का गुस्सा था, किसी गॉड का गुस्सा था जो ब्रिटेन पे हुआ, ठीक है, या खुदा का गुस्सा था जो ब्रिटेन पर बरसा इन ट्राइब्स की सूरत में, ठीक है। तो ये जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें आपको इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स कुछ जो हैं वो मिलते हैं अजीब अजीब से, ठीक है। तो अब ये भी जो वर्ड है ये ब्रिटिश में रॉस रॉस है और अमेरिकन में रैस है, इसका मतलब होता है गुस्सा। तो अब ये हमने जैसे बात की जर्मेनिक ट्राइब्स से, तो अब हमें पता है कि जो जर्मेनिक लैंग्वेजेस थी उनसे ही इंग्लिश भी निकली है और उनसे ही आगे, अब देखें ये डैनिश है, जर्मन है, स्वीडिश, ये सारी किससे निकली हैं, जर्मेनिक लैंग्वेजेस से। तो उधर भी जो ट्राइब्स आए थे उनकी भी लैंग्वेज थी जर्मेनिक थी, और उन्हीं की बाद में जो लैंग्वेज है उसे फिर इंग्लिश कहा जाने लगा। अभी वो हम चेंजेस देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हाउ इंग्लैंड एंड इंग्लिश आर नेम्ड, अब इंग्लैंड को इंग्लैंड क्यों कहा जाता है और इंग्लिश को इंग्लिश क्यों कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये जो तीन ट्राइब्स थे, इनमें से जो दो ट्राइब्स थे एंगलो एंगल्स एंड सैक्सन्स, तो उनके नाम पर बना एंग्लो सैक्सन्स। एंग्लो सैक्सन यानी उन इन सब ट्राइब्स को डिस्क्राइब करने के लिए टर्म यूज़ होती है एंग्लो सैक्सन। एंड फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइब, और जो पहला ट्राइब है एंगल, उससे हम वर्ड लेते हैं इंग्लिस्क, शुरू में इसे इंग्लिस्क कहा जाता था ओल्ड इंग्लिश को, और इसी से उनका जो उनका होमलैंड भी बन गया एंग्ला लैंड, उस टाइम इंग्ला लैंड, ठीक है, इनके नाम की वजह से। अर्ली वर्जन ऑफ इंग्लिश या जिसे अब इंग्लिश कहा जाता है, तो जो अर्ली वर्जन ऑफ इंग्लिश था जिसे अब हम ओल्ड इंग्लिश के नाम से याद करते हैं, तो उसमें हमारे पास वी हैव मैनी ऑफ द मोस्ट बेसिक टर्म्स इन द लैंग्वेज, हमारे पास काफ़ी जो बेसिक टर्म लैंग्वेज में जो अब हम यूज़ करते हैं वो ओल्ड इंग्लिश से ही आई हैं। तो अब हम उन कुछ टर्म्स को कंपेयर करते हैं, तो
मान, ठीक है, पहले मान कहा जाता था, अब मैन है। इस तरह वाइफ को, सॉरी वुमन को वीफ इस तरह कहा जाता था, ठीक है। ये आपको आई के ऊपर जो है वो थोड़ा सा इधर ये भी नज़र आ रहा है, थोड़ा सा डॉट भी। इसी तरह चाइल्ड को सील्ड, हाउस को हुस, जो भी है। मेटे फूड को कहा जाता था, ईट को एटन कहा जाता था, ठीक है। इसी तरह ड्रिंक को रिंकन, या ड्रिंकन मेरे ख्याल में शायद मैंने ना वो डी मिस कर दिया। इस तरह फाइट को फैटन, ठीक है। तो ये कौन सी टर्म थी जो ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होती थी, और ये हमें पता कि बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं जो अब हम आज इंग्लिश में यूज़ करते हैं। और एडिशन ऑफ लैटिन टर्म्स इन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में ही 6th to 8th सेंचुरी के दौरान लैटिन टर्म्स भी जो हैं वो आ गई। वो किस तरह आई, कि ये जो ट्राइब्स थे ना जो आए थे, ये पेगन्स थे। अब पेगन्स के दो मतलब आपको ऑक्सफोर्ड में मिलेंगे। एक तो वो लोग, उन लोगों को पेगन्स कहा जाता है कि जो किसी दुनिया के जो मेन रिलीजन्स हैं उनमें से किसी भी रिलीजन पर बिलीफ ना रखते हों, वो पेगन्स कहा जाए। एथियस्ट नहीं, पेगन्स का भी कोई ना कोई रिलीजन होता ज़रूर है। और दूसरा इसका आपको जो मीनिंग मिलेगा ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में, कि जो क्रिश्चियंस थे वो उन लोगों के लिए पेगन्स का वर्ड यूज़ करते थे जो क्रिश्चियनिटी पर बिलीफ नहीं रखते थे, या किसी भी दूसरे जो है वो रिलीजन से रिलेटेड होते थे, ठीक है। तो अब 6th to 8th सेंचुरी में एंग्लो सैक्सन जो है ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड हो गए, ठीक है। अब ज़ाहिर है कोई प्रीस्ट आए होंगे या किस वजह से कोई इन्फ्लुएंस आया होगा किसी का, एंग्लो सैक्सन जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड हो गए, क्रिश्चियनिटी इन्होंने कबूल कर ली। और फिर इसके साथ ही लैटिन की कई टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में आ गई, क्योंकि लैटिन जो थी वो क्रिश्चियनिटी की उस टाइम लैंग्वेज थी, लैंग्वेज ऑफ रिलीजन इसे कहा जाता था। अब उसी से हमारे पास जो टर्म्स आई हैं, जैसे एंजल, ठीक है, बिशप, कैंडल, चर्च, मार्टर, ठीक है, प्रीस्ट, स्कूल, ये जो सारी टर्म्स हैं ये हमारे पास कहाँ से आई हैं, ओल्ड इंग्लिश में लैटिन से, क्योंकि लैटिन रिलीजन की लैंग्वेज थी। और आपको पता है ये सारी जो टर्म्स हैं ये रिलीजियस ही टर्म्स हैं अक्सर। अब 8th to 12th 11th सेंचुरी में ओल्ड इंग्लिश का ही जो पीरियड है उसमें वाइकिंग्स, ठीक है, इन्हें विकिंग्स नहीं पढ़ते, इन्हें वाइकिंग पढ़ते हैं, वाइकिंग्स भी आए इधर ही। और यानी 8th 8th सेंचुरी थ्रू 9th एंड 10th सेंचुरीज, यानी इन तीनों सेंचुरीज़ में ये वाइकिंग्स आए हैं। अनदर ग्रुप ऑफ नॉर्दर्न यूरोपियंस, ये भी नॉर्दर्न यूरोपियन का ही ग्रुप था, इसमें आमतौर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के कुछ लोग आ जाते हैं, स्वीडन, डेनमार्क, इन ये जो आज इलाके हैं, ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, इन यानी जगहों से आए थे। केम फर्स्ट टू प्लंडर, अब ये इधर लूट मार करने आए थे, प्लंडर का मतलब होता है लूट, ठीक है। और फिर वो इधर सेटल हो गए कोस्टल रीजन्स ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के करीब करीबी कोस्टल रीजन्स पर जो है ना, ब्रिटेन के जो कोस्टल साहली इलाके थे, ठीक है, जहाँ समंदर था, ओशन होता था, तो ओशन था तो ओशन था, तो उधर ये आकर रहने लगे कोस्टल रीजन्स में वाइकिंग्स। तो अब ये जो टर्म्स कुछ लेके आए अपने साथ, इनकी अब लैंग्वेज को कहा जाता था ओल्ड नोर्स। और गिव, लॉ, लेग, स्किन, स्काई, टेक, दे, ये वो सारी टर्म्स हैं जो ओल्ड नॉर्स बोलने वाले अपने साथ लेके आए। इसी तरह जो वीक डेज में हम लगाते हैं, ट्यूसडे, वेंसडे, वो भी यही, तो तब इसे ट्यूसडे, थोसडे इस तरह कहा जाता था। तो ये वाइकिंग्स के आने से इस तरह की टर्म्स कुछ इंग्लिश में आई। और इट इज़ फ्रॉम देयर विंटर फेस्टिवल योल, अब वो जॉल या योल के नाम से एक विंटर फेस्टिवल भी मनाते थे, जिसे अब यूल के नाम से जो है वो याद किया जाता है इंग्लिश में, ठीक है, मॉडर्न टर्म में। ये ओल्ड इंग्लिश थी। मिडल इंग्लिश का जो इरा है वो है 1100 to 1500। तो मिडल इंग्लिश किस तरह शुरू होती है, अराइवल ऑफ द नॉर्मन फ्रेंच अंडर विलियम द कंकरर, कॉन्करर, इसकी ये प्रोनंसिएशन होती है खोंग, और ये वाला इसमें एन जो है वो इस तरह का, और ठीक है, और कॉन्करर, कॉन्करर या कॉन्करर, ठीक है। तो द इवेंट दैट मेक्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड द बिगनिंग ऑफ द मिडल इंग्लिश पीरियड इज़ द अराइवल ऑफ नॉर्मन फ्रेंच इन इंग्लैंड, ठीक है। नॉर्मन फ्रेंच का इंग्लैंड में आने से ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड वो ख़त्म हो गया,
इसका मतलब यानी कि ओल्ड इंग्लिश ही ख़त्म होगी, ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है हम 1100 तक करते हैं वो ख़त्म हो गया। और क्योंकि नॉर्मन फ्रेंच जो है वो आए, यानी फ्रेंच आए इंग्लैंड में, और उन्होंने हेस्टिंग्स यानी एक कोई जो है वो बैटल फील्ड होगी उधर, उन्होंने विक्ट्री हासिल की अंडर विलियम द कॉन्करर इन 1066। इसके साथ ही मिडल इंग्लिश का पीरियड शुरू हो जाता है। तो मिडल इंग्लिश पीरियड के आने से फ्रेंच के जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में ऐड होना शुरू हो गई। दीज फ्रेंच स्पीकिंग इन्वेडर्स बिकेम द रूलिंग क्लास। जाहिर है जैसे सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश आए थे तो वो रूलिंग क्लास बन गए थे, तो इधर ये रूलिंग क्लास बन गए। सो डैट द लैंग्वेज ऑफ द नोबिलिटी, गवर्नमेंट लॉ एंड सिविलाइज्ड लाइफ इन इंग्लैंड फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स वॉज फ्रेंच। जैसे सब कॉन्टिनेंट में जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने भी कोशिश की, और फिर गवर्नमेंट की लैंग्वेज या लॉ की लैंग्वेज उन्होंने कोशिश की कि इंग्लिश हो जाए, लेकिन जो नोबिलिटी यानी जो ज़ाहिर है जो रूलिंग क्लास होती है उसी की जो लैंग्वेज है वो नोबिलिटी की अलामत बन जाती है, ठीक है, यानी जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है। और इसी तरह गवर्नमेंट की लैंग्वेज भी फ्रेंच बन गई, लॉ की लैंग्वेज, और सिविलाइज्ड लाइफ की निशानी ये बन गई कि जिसे भी फ्रेंच आती थी उसे सिविलाइज समझा जाता था। जैसे अब कई कंट्रीज़ में जिसे इंग्लिश आती है उसे सिविलाइज समझा जाता है, तो नेक्स्ट 200 ईयर्स के लिए जो फ्रेंच थी वही इंग्लैंड की जो है वो लैंग्वेज बन गई हर तरह से, नोबिलिटी, गवर्नमेंट, लॉ, सिविलाइज लाइफ वगैरह में। और फ्रेंच के आने से जो कुछ वर्ड जो अब हम आज बोलते भी हैं इंग्लिश में, आर्मी, कोर्ट, डिफेंस, फेस, प्रिसन एंड टैक्स, टैक्स, ठीक है। ये डिफेंस के जो है वो अमेरिकन स्पेलिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जॉर्ज जूल ख़ुद भी अमेरिकन ही है, लेकिन अगर आप इसका डिफेंस जो है ब्रिटिश में सी आता है एस की जगह, अगर आप इसका ओरिजिन देखेंगे तो जो यानी फ्रेंच से जो ये वर्ड आया तो उसमें भी एस ही था, यानी फ्रेंच में भी एस ही यूज़ होता था। तो इस तरह की टर्म्स जो हैं वो सारी हमारे पास आई फ्रेंच से इंग्लिश में। अब अपर क्लास और वर्किंग क्लास की लैंग्वेज इस दौरान डिफरेंट थी। जो पेजेंट्स थे यानी किसान वगैरह थे वो जो है वो इंग्लिश ही यूज़ करते थे जब ये फ्रेंच आया, क्योंकि इंग्लिश को उस टाइम लोअर क्लास की लैंग्वेज समझा जाता था। ये अब हम जब सोशियो लिंग्विस्टिक्स में जाएंगे तो हम इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तो लोअर क्लास की लैंग्वेज तब इंग्लिश ही समझी जाती थी, और आज देखें आज अपर क्लास की लैंग्वेज इंग्लिश समझी जाती है कई जगहों पर, ठीक है। तो जो पेजेंट्स थे वो इस दे द पेजेंट्स वर्क ऑन लैंड एंड रियर्ड रियर्ड शीप, काउस एंड स्वाइन। अब ये सारे जो वर्ड्स हैं ये ओल्ड इंग्लिश के थे, और पेजेंट्स जो है वो वही यूज़ करते थे, ठीक है। इसकी एक वजह ये भी होती है कि आमतौर पर जो वर्किंग क्लास और इस तरह के लोग होते हैं वो आमतौर पर एजुकेशन भी कम हासिल करते हैं। जाहिर है जब गवर्नमेंट की लैंग्वेज और नोबिलिटी की लैंग्वेज वो बन गई थी या एक्सेस ही नहीं होती, ठीक है, ये कुछ वजूहत होती हैं, ये हम उधर ही जिक्र करेंगे। लेकिन जो अपर क्लासेस थी वो मटन, बीफ एंड पोक की बात करती थी, और ये सारे जो वर्ड्स थे ये फ्रेंच ओरिजन के थे, ठीक है, ये आप डिक्शनरी से कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑक्सफोर्ड में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। अपर क्लास फ्रेंच वर्जन ऑफ इंग्लिश यूज़ कर रही थी, और जो लोअर क्लास थी वो ओल्ड इंग्लिश यूज़ कर रही थी। फ्रेंच वर्जन ऑफ इंग्लिश इस तरह से कि ये तो नहीं कि एक दफ़ा आने से वो पूरी पूरी लैंग्वेज इंग्लिश टोटली बदल गई थी, नहीं, वो मिक्स हो गई थी। फ्रेंच की काफ़ी टर्म्स जाहिर है जब वो बनी तो रूलिंग क्लास की लैंग्वेज बनी तो वो लोग यूज़ करने लग गए, और लोग इसे क्या कहते हैं कि स्टेटस की अलामत समझते थे। हैंस द डिफरेंट टर्म्स इन मॉडर्न इंग्लिश टू रिफ़र टू दीज क्रीचर्स ऑन द हूफ एज अपोज टू ऑन द प्लेट। यानी क्रीचर से मुराद जॉर्ज जूल ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इन दोनों ग्रुप्स के लिए ना ऑन द हूफ और ऑन द प्लेट का हम कह सकते हैं, यानी ऑन द हूफ ये जो टर्म है ना, ऑन द हूफ ये स्पेसिफिकली है क्या कहते हैं ये उस ओरिजिन की है। आपको मिलेगा आई थिंक के सो ऑन द हूफ जो है वो मैंने कंफर्म कर लिया, ऑन द हूफ जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में ये फ्रेज़ यूज़ होता है, और ऑन द प्लेट जो है ये फ्रेंच वर्जन था। तो जाहिर है अब अपर क्लास ऑन द प्लेट को कहना अच्छा समझती थी, और जो लोअर क्लास है वो यही यूज़ करती थी। अब लोअर क्लास ये नहीं कि लोअर क्लास को कोई इंग्लिश से बहुत वो प्यार था, लेकिन उनके पास सक्सेस ही नहीं थी,
या वो तो बहुत, आपको पता है जब भी इस तरह का इन्फ्लुएंस होता है बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ही लैंग्वेज को बोलना जो है वो पसंद करते हैं, लेकिन होते भी या नहीं भी होते। तो वैसे इन दोनों का मतलब है कि क्विकली ऑन द हूफ का मतलब अगर मैं कहूँ कि माए लैपटॉप या कोई सेलमैन कहता है दीज क्लॉथ्स आर ऑन द हूफ, कि यानी ये सेल पर लगे हैं और जल्दी जल्दी बिक जाने हैं, जिसने लेने हैं अभी ले लो, तो ऑन द हूफ या ऑन द प्लेट के काफ़ी ज़्यादा मतलब है। ऑन द हूफ इसलिए आपको ब्रिटिश इंग्लिश में मिल भी जाएगा और सॉरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, और लिखा भी होगा कि स्पेसिफिकली ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। और ऑन द प्लेट जो है ये फ्रेंच का ही ओरिजिन लगता है क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड में मौजूद नहीं है, ठीक है। प्रेस्टिजियस लैंग्वेज ड्यूरिंग मिडल इंग्लिश, अब मिडल इंग्लिश के दौरान जाहिर है जो इस पूरे पीरियड के दौरान हमने बात की 200 साल तक जो फ्रेंच थी, या मोर एक्यूरेटली इंग्लिश वर्जन ऑफ फ्रेंच, ये प्रेस्टिजियस लैंग्वेज समझी जाती थी, वाज द प्रेस्टीज लैंग्वेज। एंड चौसर टेल्स अस डैट वन ऑफ हिज कैंटरबरी पिलग्रीम्स कुड स्पीक इट। आपको जेफरी चौसर का पता होगा, ठीक है, जेफरी चौसर 1343 to 1400, ठीक है, ये इरा है जेफरी चौसर का। तो जेफरी चौसर ने भी अपनी पोइम्स में जिक्र किया कि फ्रेंच किस तरह जो है वो एक यानी अलामत थी ए स्टेटस की और नोबिलिटी की। शी वॉज क्लैप्ड मैडम एग्लेंटाइन फुल वेल शी सॉन्ग द सर्विस डिवाइन एंड टर्नड इन हर नोज फुल स्मेली एंड फ्रेंच शी स्पीक फुल फेयर एंड फैटिसली, ठीक है। यानी उसने बताना चाहा कि उसे फ्रेंच भी आती थी, क्योंकि फ्रेंच उस टाइम नोबिलिटी की अलामत समझी जाती थी, ठीक है। और आप इधर आपको ये भी नज़र आ रहा है कुछ स्पेलिंग आपको डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे, तो जाहिर है क्योंकि ये मिडल इंग्लिश के करीब मिडल इंग्लिश है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये लेट मिडल इंग्लिश की है, विच हैड चेंजेस सब्सटेंशली फ्राम ओल्ड इंग्लिश, यानी वही जॉर्ज ने इधर बात बताई है कि हमें इधर काफ़ी चेंजेस नज़र आ रही हैं इस इंग्लिश में एज़ कम्पेयर टू मिडल ओल्ड इंग्लिश, हमें वो सारे जो इस तरह के लेटर्स यूज़ हो रहे थे वो अब हमें नज़र नहीं आ रहे इसमें। चेंज इन वावल्स, तो मिडल इंग्लिश में जो मोस्ट सिग्निफिकेंटली यानी जो चेंज आई है वो है वावल साउंडस। वावल साउंड जो चौसर के टाइम में थे वो काफ़ी डिफरेंट थे जो कि हमने आज आज के जो वावल्स हैं उनसे भी डिफरेंट थे, आज के वावल्स उससे भी डिफरेंट हैं जो चौसर के टाइम पर जो है वो चेंज हुए थे, लेकिन वो ओल्ड इंग्लिश से कुछ चेंज हुए थे। ओल्ड इंग्लिश में जो वावल्स थे उनमें कुछ चेंज आया था चौसर के टाइम में भी। द वावल साउंड ऑफ चौसर टाइम वर वेरी डिफरेंट फ्राम दोज वी हेयर इन सिमिलर वर्ड्स टूडे, आज के भी यानी जो हमें हमें वावल्स सुनने को मिलते हैं उससे भी डिफरेंट थे चौसर के टाइम के वावल अभी हम जो देख चुके हैं, ठीक है। ये फ्रेंच के आगे आखिर पे ई आ रहा है, ठीक है। स्मेली आप देखें, स्मेल लिखना था किस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो हमें डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। तो अब उन्होंने एग्जांपल दिया, चौसर लिव्ड इन अ हाउस यानी हाउस विद हिज वीफ, यानी वीफ का मतलब है वुमेन या वाइफ, एंड हे का मतलब है ही, एंड ही माइट ड्रिंक अ बॉटल ऑफ वीना यानी वाइन विद हीर, यानी विद हीर से मुराद है विद हर, बाय द लाइट ऑफ मोना, मोना से मुराद है मून, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि कितना डिफरेंट है आज जो हम यूज़ करते हैं, इसे हम हाउस HOUSE, इसे हम WIFE कहते हैं, HE कहते हैं, WIN कहते हैं, HER कहते हैं, और मोना को MNN। तो इधर तक है मिडल इंग्लिश का पीरियड। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का जो पीरियड है वो 1500 to 1700 है, लेकिन एक इस पीरियड में लेट मिडल इंग्लिश में और अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है, एक यानी पीरियड है जिसे ग्रेट वावल शिफ्ट भी कहा जाता है, कि इसमें वावल्स में बहुत बड़ी चेंज आई है, ठीक है। यानी जो जो 200 ईयर से 1400 to 1600, अब हमें पता है कि जो 1500 से जो पहले यानी 100 ईयर्स हैं, तो वो 1400 to 1600 ये जो ईयर्स है ना 200 साल, अब जाहिर है 1400 में 100 ईयर्स जो हैं वो मिडल इंग्लिश के भी आखिरी 100 साल आ जाते हैं, तो डैट सेपरेटेड चौसर एंड शेक्सपियर, क्योंकि ये अब इसी इरा में चौसर जो है वो तो 1400 में जो है वो फोत हो गया था, लेकिन जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर की जो वो है क्या कहते हैं 1543 है टू आई थिंक 1600, ठीक है, शेक्सपियर की ये डेट ऑफ बर्थ है।
तो चौसर 1400 में जेफरी चौसर फोर्थ होते हैं, और 1543 में विलियम शेक्सपियर पैदा होते हैं 1600 तक। तो ये जो ईरा है जहाँ चौसर और शेक्सपियर सेपरेट होते हैं, तो इसी ईरा में साउंड ऑफ इंग्लिश अंडर वेंट अ सब्सटैंशल, यानी सब्सटैंशल मेंटेन्ड क्वाइट अलॉट, अंडर वेंट अ सब्सटैंशल चेंज नोन एज ग्रेट वॉवल शिफ्ट। इसे हम ग्रेट वॉवल शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि वॉवल्स में बहुत बड़ी शिफ्ट आई इस ईरा में, इन 200 सालों में। द इफेक्ट्स ऑफ दिस जनरल रेजिंग ऑफ लॉन्ग वॉवल्स, यानी जो लॉन्ग वॉवल थे जैसे ओ, मूविंग अप टू लॉन्ग ऊ, जो मोना था वो मून हो गया, आपको पता है मून में जो है वो ये वाला वॉवल साउंड आता है ऊ, मेड द प्रोनंसिएशन ऑफ अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। और इसी तरह यही प्रोनंसिएशन फिर बन गई अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में, जो 1500 के करीब करीब शुरू होता है पीरियड अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का। सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पीरियड्स, तो अर्लियर पीरियड से इसलिए अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में चेंज आया ज़्यादा, कि वॉवल शिफ्ट हुई है, यानी साउंड चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। और इसी दौरान प्रिंटिंग प्रेस 1476 में, जो हमने लास्ट चैप्टर के लास्ट लेक्चर में आई थिंक बात की थी इंग्लिश ऑर्थोग्राफी में, कि 1476 में अब प्रिंटिंग भी आ गई, ठीक है, और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। लेकिन क्योंकि प्रिंटर्स जो थे, प्रिंटर्स ने, अब प्रिंटर्स को हमने वो उस लेक्चर में देखा था कि प्रिंटर्स को चलाने वाले फ्लैमिश थे, ठीक है, डच थे, जर्मन थे, तो अब इस तरह के लोग थे। अब उन्होंने प्रनन्सिएशन के लिए ना, जो एग्जिस्टिंग उस टाइम प्रनन्सिएशन थी उनको स्पेलिंग में लाने के लिए ना स्टैंडर्डाइज़ किया, स्पेलिंग को कुछ स्टैंडर्डाइज़ किया, जैसे नी जो है वो उसमें आपको के नज़र आता है, ये उसी टाइम पे सारा जो है ना स्पेलिंग की जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन हुई है, ठीक है। इसी वजह से जो लेटर प्रनन्सिएशन चेंजेस हुई हैं, जाहिर है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश के बाद बहुत ज़्यादा प्रोनंसिएशन चेंजेस हुई हैं, लेकिन वो हमें मॉडर्न इंग्लिश जो है, जो 1700 के बाद शुरू होती है, उसमें हमें वो नज़र नहीं आती प्रोनंसिएशन चेंजेस, यानी हमें स्पेलिंग में वो चेंजेस नज़र नहीं आती। नी जो मिड अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में जो नी की स्पेलिंग लिख दिए गए थे, वो आज भी नी यही स्पेलिंग है, या ये अब पता नहीं कौन सा वर्ड नाउ है या जो भी है, तो ये अब उसी तरह स्पेलिंग अब उसी तरह चले आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है जो कि अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में प्रिंटिंग के दौरान स्टैंडर्डाइज कर दिए गए थे, कि यही स्पेलिंग यूज़ होंगे, ठीक है। तो हमें अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में प्रोनंसिएशन में चेंज नज़र आती है, लेकिन स्पेलिंग में हमें चेंज नहीं नज़र आती। और जो प्रोनंसिएशन में चेंज आती है 1700 में, ये वही बात मैंने इसीलिए दोबारा की है, वो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम साउंड चेंजेस को डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम प्रोनंसिएशन चेंज देखेंगे जो मॉडर्न इंग्लिश में हुई है। लेकिन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रिंटर्स ने स्टैंडर्डाइज कर दिया था एग्जिस्टिंग प्रोनंसिएशन जो उस वक्त मौजूद थी, उसको देखकर स्पेलिंग बना दिए गए थे, स्पेलिंग उसी टाइम फिक्स हो गए थे, बाद में स्पेलिंग्स में इतनी चेंज नहीं आई। हाँ, नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में कुछ चेंजेस उन्होंने अपनी कन्वेंशंस बनाई, जो कि हमने उसी लेक्चर में बात की थी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, और इसके अलावा हमने जो चीज़ें देखनी थी, व्हाट इज़ एक्सटर्नल चेंज, तो एक्सटर्नल चेंज अब इंग्लिश में क्या हुआ, जब जो है इन्फ्लुएंस जो है वो आउटसाइड से आए, जैसे नॉर्मन फ्रेंच या ओल्ड नॉर्स, ठीक है, जब ये बाहर से आए और फ्रेंच और ओल्ड नॉर्स की जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में ऐड हुई, तो वो एक्सटर्नल चेंज था। और इंटरनल चेंज क्या था, वॉवल शिफ्ट, जैसे साउंड चेंजेस जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे, तो ये इंटरनल चेंज था, क्योंकि ये इंग्लिश में इंटरनली ही वॉवल शिफ्ट हुई है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि इंग्लिश के स्पेलिंग याद रखना मुश्किल क्यों है, जो हमने रिटन लैंग्वेज के लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ आई हो, तो आप उधर से ही दोबारा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे लेक्चर आमतौर पर कनेक्ट होते हैं पिछले लेक्चर से भी, और पूरा लेक्चर आपस में कनेक्टेड होता है, इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप लेक्चर को पूरा ही सुना करें। ऑल दो मैं कभी कभार लंबा कर देता हूँ, कुछ लोग कहते भी हैं कि लेक्चर को ज़्यादा लॉन्ग ना किया करूँ, लेकिन बस हो जाता है किसी ना किसी वजह से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे साउंड चेंजेस, और इसमें मेटास्सिस, अपेंथेसिस, प्रोसेसिस, ठीक है, इसे भी हम देखेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको यानी समझ आ चुकी है, और फिर ही आप चैनल जो है सब्सक्राइब करें, ठीक है।
Don't forget to give your feedback. Remember, in your prayers, Jazakallah khairan and thank you.